प्रिया, क्या हुआ बेटा? कल का बदला लेने के लिए कुछ गुंडों ने मुझे अकेले पाकर मेरे बाल काट दिए। मैंने रॉकी को वहां देखा और हेल्प के लिए चलाई भी, लेकिन पुलिस स्टेशन तक नहीं चला। ऐसे में तो एक जानवर, एक कीड़ा भी रिएक्ट करता है, मगर ये अब समझ में आ रहा है कि तुम सबसे इतना अलग अलग क्यों रहते हो। अपनी असलियत छुपाने के लिए तुमने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा है। बिकॉज इन रियलिटी रॉकी, तुम एक बेहद कमजोर, बुजदिल और डरपोक इंसान हो। यू हैव नो गट्स। आपने देखा, भूत छुपा के यहां से भी भाग गया। बस आंटी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? और अंकल, आप एक पत्थर की मूर्ति की तरह सब सुने चले जा रहे हैं। बताते क्यों नहीं कि सच्चाई क्या है? क्या वजह है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रॉकी चुपचाप है? बताते क्यों नहीं उसको तो आपने मार डाला है? बताते क्यों नहीं कर यही हादसा 3 महीने पहले मुंबई में हुआ होता तो रॉकी क्या करता? विक्रम, अंकल मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। प्रिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि रॉकी ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा रखा है, उसने अपने आप को छुपा रखा है। अरे, उसका दोस्त होकर भी मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूं। जिस रॉकी को मैं जानता था, वो एक जुनून, एक जोश और एक तूफान था। He used to rock the world. तुम कहती हो कि वो कमजोर है, बुजदिल है, he has no guts. मगर सच बात तो यह है प्रिया, कि वो आज भी सच्चाई और जाबाजी की कीमत चुका रहा है। 3 महीने से वो आदमी हर पल हर घड़ी घुट घुट के मर रहा है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.